बजरंग दल को यह अधिकार किसने दिया कि भारत में कौन कहां नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये भारत की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या तुम्हें संस्कार दिया तुम्हारे माँ बाप ने कि कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई उसको अल्लाह को याद कर रहा है, तो तुम जाके उसको रोक दो? ये हराम के नेता किसी के नहीं है, तुम्हारे बाल बच्चों को बलि चढ़ा के ये सत्ता लेते हैं। क्योंकि जब से इनकी सत्ता आई है, तब से इन्होंने देश के अंदर एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। दानव किया करते थे ऋषि महात्माओं को, भगवान को पूजा करने के लिए रोका करते थे, ये दानव वाला लक्षण किसने सिखाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दानव तुमको बनाया। क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्या दिया है योगी आदित्यनाथ ने इस देश को? नफरत की बीमारी फैला रहे हो। बजरंग दल को यह अधिकार किसने दिया है कि देश के अंदर कौन कहां नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? यह अधिकार किसने दिया है बजरंग दल को? नरेंद्र मोदी ने दिया है, योगी आदित्यनाथ ने दिया है, या कहें खट्टर सरकार ने दिया है? हो क्या रहा है देश के अंदर? गुरुग्राम में जिस तरीके की हरकत बजरंग दल ने की है, शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज के लोगों को नमाज पढ़ने से रोका है, पूरी दुनिया में इसका असर क्या पड़ा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ रहे हैं इस चीज को? देश की इनको चिंता है कि नहीं है, या सिर्फ गद्दी के लिए ये कांड कराएंगे, इस तरह की हरकतें कराएंगे? पांच राज्यों का आपको चुनाव जीतने के लिए इतनी घटिया हरकत कि आप पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में हंसाने का काम किया है इस नीच हरकत से? बजरंग दल को यह अधिकार किसने दिया कि भारत में कौन कहां नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? यह क्या संविधान दाता है? जितनी जल्दी हो बजरंग दल जैसे संगठन को बैन करना चाहिए, क्योंकि यह भारत की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में जग हसाई का काम बजरंग दल की वजह से हुआ है, और इसके जिम्मेदार कोई दूसरा तीसरा नहीं है, इसके जिम्मेदार है हमारे देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब से इनकी सत्ता आई है, तब से इन्होंने देश के अंदर एक आतंक का माहौल पैदा कर दिया है बजरंग दल के द्वारा, बीस हिंदू परिषद के द्वारा, करनी सेना के द्वारा, क्या कहते हैं ये युवा वाहिनी के सेना के द्वारा। एक क्या ये देश के अंदर चल रहा है भाई? क्या भारत का नाम कसम खा लिया है कि पूरी तरह से हम दुनिया में मिटा देंगे? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कोई भगवान को याद कर रहा हो, उसकी इबादत कर रहा हो, उसका पूजा कर रहा हो, तो आप जाके उसमें बाधित करें? किस धर्म में भी लिखा हुआ है? रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, कुरान में लिखा है, कहां पे लिखा हुआ है? बहुत ही शर्म की बात है। मैं तो हैरान हूं कि प्रशासन के लोगों ने उन सालों की टांगे क्यों नहीं तोड़ दी बजरंग दल के लोगों की। ये तमाशा क्यों देखते रहते हैं? सबसे पहले तो इनके में इतनी औकात नहीं है किसी भी संगठन के लोगों में, जो बिना प्रशासन को आगे खड़ा किए हुए इनकी मुख से एक लवज निकल जाए, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे करनी सेना हो, चाहे क्या कहते हैं युवा वाहिनी हो, इनकी एक की भी दम नहीं है कि एक लफ्ज बिना प्रशासन की सुरक्षा के ये बोल सके। अरे चूहे की औलाद हो, तुमने कितना बड़ा गंदा काम किया है, तुमको अंदाजा है इस चीज का? कोई ऊपर वाले के याद कर रहा है, तुम जाके उसको बाध्य नमाज पढ़ने के लिए रोके हो, कितने बड़े पाप के भागीदार बने हो।
और क्या तुम्हें संस्कार दिया तुम्हारे माँ बाप ने कि कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई उसको अल्लाह को याद कर रहा है, तो तुम जाके उसको रोक दो। कहाँ पे लिखा हुआ है मुझे एक ग्रंथ का कोई नाम तो बता दो। अरे ये तो दानव किया करते थे पहले, दानव किया करते थे ऋषि महात्माओं को भगवान को पूजा करने के लिए रोका करते थे। ये दानव वाला लक्षण किसने सिखाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये दानव तुमको बनाया। दानव दानव बन रहे हो भगवा वस्त्र पहन के। मैं बहुत चिंतित हूं कि आने वाला समय भारत देश के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। जो भी इस देश में तनिक भी बुद्धिजीवी लोग हैं, खंडित करें ऐसे संगठनों का जो भारत देश की एकता अखंडता शांति के लिए खतरा है। ये आतंकी संगठन वाला काम चल रहा है भारत देश के अंदर। अरे भैया ये है, ये हराम के नेता किसी के नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चों को बलि चढ़ा के ये सत्ता लेते हैं, समझो आप लोग। उस नौजवान को भटका के कितना बड़ा गलती का काम कराया है उससे। ऊपर वाले को याद करना गुनाह हो गया है। कैसा देश हो गया हमारा भारत देश? क्या दिया है नरेंद्र मोदी ने, क्या दिया है योगी आदित्यनाथ ने इस देश को? नफरत की बीमारी फैला रहे हो, मजहबी बीमारी डाल दिया है देश में। ईश्वर ही रक्षा करे भाई हमारे देश की अब, क्योंकि इन घटिया राजनेताओं ने देश को बर्बाद करने के लिए पूरी मास्टर प्लानिंग रच ली है। इनको यूपी का चुनाव जीतना है, इसीलिए जबरन दंगे कराने की हरकत करने के लिए बजरंग दल को, युवा वाहिनी को आगे करके ये उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अपने देश के नागरिक से विनती करता हूं कि इनके बहकावे में मत आओ, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का नाम हंसी का पात्र बन गया है इस हरकत से। दुनिया के तमाम देशों में पेपर में खबरें छपी हैं, भारत की हंसी हुई है, जग हंसाई हुई है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सबको हाथ जोड़ के देश के लिए सोचो, राष्ट्र के लिए सोचो। जय हिंद।